नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले खबर के विस्तार में जाने से पहले नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखनाथ परिसर में 5 दिवसीय विराट किसान सम्मेलन का कमिश्नर अनिल कुमार ने किया शुभारंभ। शास्त्री नगर स्थित तो मोबाइल की दुकान से चोरों ने उड़ाए लाखों के मोबाइल और नकदी, घटना सीसीटीवी में कैद। ट्रैफिक पुलिस बूथ का एडीजी दावा शेरपा ने किया उद्घाटन। राजस्व कार्यों एवं करोत्तर की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। तहसीलों में जालसाजी रोकने तथा अन्य बिंदुओं पर की गई समीक्षा। ग्राहक सेवा केंद्र बंद होने से आक्रोशित लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत। उप महाप्रबंधक ने कहा उन्होंने सिर्फ आदेश का किया है पालन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई संपन्न। 14 और 15 अप्रैल को आयोजित होने वाले प्रांतीय सम्मेलन की बनाई गई रणनीति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर 2 लाख नकदी की सहायता प्रदान किए जाने संबंधित फर्जी आवेदन फॉर्म बेचने वाले के विरुद्ध सीडीओ अनु सिंह ने दिया तत्काल गिरफ्तारी का आदेश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्वर्गीय संजीव सिंह सिरनेत की मनाई गई पुण्यतिथि। छात्र नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर के लोगों को मच्छर के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम ने कसी कमर। महापौर सीताराम जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से संस्कार भारती करेगा नव वर्ष का स्वागत। संस्था अध्यक्ष रीता ने दी जानकारी। गोरखपुर क्रिकेट लीग में अक्की स्पोर्ट एकेडमी की सुपर क्लब क्रिकेट टीम पर 1 विकेट से रोमांचक जीत। और टीडीएम चैलेंजर्स ट्रॉफी में लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी ने डीसीए गोंडा की टीम को 7 विकेटों से हराया। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को 16 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित गोरखनाथ मंदिर परिसर में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कमिश्नर अनिल कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने वहां के सभी स्टॉलों का अवलोकन कर जानकारी ली। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को लाभ हो, उनकी आय दुगनी हो, इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस मेले में सभी विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। कृषकों से अपेक्षा है कि वे नई तकनीकों को अपनाएं और जैविक खेती करें, जिससे कम लागत में किसानों के हित के लिए जनपद में 2 उपमंडी भी स्थापित हो रही है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों से अपील किया कि मेले में किसान वैज्ञानिक द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, जिसे अपनाकर वे लाभ उठा सकते हैं। मेले में कृषि विभाग, इफ्को, रेशम, गोरखपुर दुग्ध उत्पादन समिति, उत्तर प्रदेश बीज निगम, आईटीसी, उद्यान विभाग, रेशम विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर कृषकों को जानकारी दी गई। इस दौरान सूचना विभाग की एलईडी वैन द्वारा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कृषक तथा कर्मचारी गण उपस्थित रहे। किसानों को जागरूक करने के लिए मेले में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मंदिर परिसर में आयोजित कृषि मेले के उद्घाटन में आए मुख्य अतिथि कमिश्नर अनिल कुमार ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा। ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर कहाँ से मिला? यही ऑर्डर आया था, यही ऑर्डर आया था।
उनसे ये कह दीजिए कि उनसे ये कह दीजिए जो ट्रेनिंग वगैरह के अंदर यही सब चीजें ले एक इनका ना ऐसा है कि महीने के अंदर एक हफ्ते में एक स्टॉल हाल लगाए कराते हैं ठीक थैंक यू खरीफ और रबी ये दोनों को भी प्रभावित करता है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि गर्मियों में आप गहरी जुताई कर लें, गहरी जुताई से तात्पर्य है मिट्टी पलट हल से या हैरों से आप अच्छी तरह से गहरी जब जुताई करते हैं तो उसमें बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे उसमें जितने कीड़े मकोड़े होते हैं जब धूप लगती है तो वैसे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। साथ ही बहुत सारी जो घासें होती हैं वो भी जल करके नष्ट हो जाती हैं। आपके भूमि में पर्याप्त वायु संचार हो जाता है, अंदर तक धूप लग जाती है और जिस भूमि में अच्छे से वायु का संचार हो, साथ ही कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं। भाषक कोशिश तो ये करना चाहिए कि गर्मी में मेड़ भी आप तोड़ के, क्योंकि जो आपके कीड़े मकोड़े और खरपतवार के बीज होते हैं अगर आप जुताई कर भी लेते हैं तो मेड़ों पे अपना सहारा ले लेते हैं, वहां पे चूंकि घास होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए यदि संभव हो तो नया मेड़ भी आपको खरीफ में बनाना चाहिए। जब आप धान की खेती शुरू करते हैं तो पूरी अच्छे तरीके से जब आप करेंगे, क्योंकि देखिए आने वाले समय में, अब जैसे मैंने बताया कि अगर आपको खेती से अधिक लाभ लेना है तो आपको कीट रोग बीमारी से नियंत्रण के बारे में पहले से सोचना होगा। अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जब बीमारी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तब जाके आप किसी वैज्ञानिक से, किसी कृषि विशेषज्ञ से या किसी अन्य जो भी अपने उस क्षेत्र में विद्वता रखता है उससे आप संपर्क करते हैं या किसी दुकान पर जाके दवा के बारे में पूछते हैं, आप दवाओं का प्रयोग करते हैं, तब तक आपकी फसल जो भी लगी रहती है उसमें काफी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप पहले से इसके बारे में ऐसा प्रबंधन करें खेती में जिसमें कि आपके खेत में ये कीट बीमारियां इन सबों का प्रकोप कम हो। तो इसमें तो जो भी फसल का आप चयन करते हैं, चाहे जायद के लिए, खरीफ के लिए, रबी के लिए, दो तीन बिंदुओं पे आपको बहुत अच्छा से जो भी फसल लगाया जाए तो सबसे पहले उसके प्रमुख बीमारी और कीट के बारे में अवश्य जान लें। क्योंकि आज कृषि विज्ञान केंद्र आपके जनपद में एक हर्ष का विषय कि दो दो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, एक बेलीपार में और एक चौक माफी में। तो आप कहीं से और कृषि विभाग में बहुत लोग एक्सपर्ट हैं जिससे कि आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अमूक फसल में कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, उन रोगों के बारे में आप जो उनके प्रजातियां हैं जो अवरोधी हैं उनका आप चयन करें। पादप सुरक्षा विभाग है कृषि विभाग का, उनके जो भी सेल काउंटर है उनसे संपर्क करेंगे तो उनके पास भी सब चीजें उपलब्ध है। तो जैव आधारित कीटनाशकों का अगर जरूरी हो तो उस पर बन जाए बारिश करते जा रहे हैं तो अपने भिन्न भिन्न तापक्रम आप देख रहे हैं कितना बढ़ जा रहा है और ज्यादा शरीर का जो उसका पाचन तंत्र है उसका अपसेट हो जा रहा हालांकि उसमें मृत्यु दर काफी कम है। उसमें अगर कोई द्वितीया करके टीकाकरण जरूर करा ले और समूह में
हमारे भी एक समूह चाहे इसको तो सरकार भी काफी बल दे रही है, धरा का धरा पड़ जाता है कभी है? सपोज करिए कि आपको टीकाकरण करवाना है तो विभरण आसान हो जाता है, मार्केटिंग आसान हो जाता है। हमारा विभाग वहाँ नलबंदी करता है, समतलीकरण प्लाट है उसको सुधारने के बाद स्थिति आ गई। फील्ड में जो है काम चलता है तो ये देखा जाता है कि बुखार होता है, जब पशुओं में बीमारी होती रहती है, अगर गर्भपात में सूखा हो जाता है और आदमी उसके संपर्क काफी आपको आवास आप कैसे व्यवस्था करेंगे तो साथ नहीं होगा और जो हमारे ऐसे उत्पादक हैं चाहे कंपनियां हो चाहे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो विभाग में उनके और अपने उत्पाद और कृषि यंत्रों का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, नई तकनीकों का प्रदर्शन किया है जिससे किसानों को फायदा हो। कोतवाली थाना अंतर्गत के शास्त्री चौक स्थित वाबराज नेट प्वाइंट मोबाइल शॉप का गुरुवार की रात को चोरों के दुकान का ताला तोड़कर नगदी सहित लाखों के मोबाइल सेट पर अपना हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकान पर पहुंचे दुकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में जुट गई है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकान के प्रोपराइटर रानू चंचल ने इसके बारे में बताया। भाई आपका काम है
लेकिन ये बड़ा डिस्प्ले में अरे वाला करे अंदर घुस रहा जो अंदर घुस रहा है अंदर घुसते दिख रहा है हेलो हाँ इसलिए फोन किया है दुकान में इसलिए हम गए सबको बता रहे स्मार्ट चोर है भाई तो मुझे ज्यादा पहचाना था अरे तो कर मलिया का उसमें नहीं निकाले इसको भैया फुटेज जो है उतने देर पेन ड्राइव में है तो मिल जाएगा क्या राजा कहाँ है पेन ड्राइव में रखा वही है जो अंदर भूसा है बाहर वाले जाएगा।
तो आया देख रहा है आदमी आया ना अंदर घुसा वो तुम लगारे बैठे बैठे अरे ये पहचान में आ जाएगा पर्याप्त से पहचान वर्ग के लिए चार बंदे हैं इससे मजा नहीं आएगा ओरिजिनल वीडियो लेकर के मजा आएगा सामान मतलब पिछड़ा था इधर उधर और मोबाइल भी हमारे हम लोग का कम से कम 7-8 लाख का मोबाइल हम लोग का चोरी हो गया और क्या 70,000 का वो भी चार हो गया और गल्ला तोड़ा गया है और पुलिस से कम से कम आधे घंटे बाद आई है फोन करने के तो कितने का नुकसान क्या अजमान है मान के चलिए 12-15 लाख का हमारा नुकसान हुआ अभी मैं देखा नहीं हूँ मिलाऊंगे तो पता चलेगा मोबाइल बताओ वो चार पाँच तो सीसीटीवी में आया सारा सारा मामला सीसीटीवी सी के कैमरे में आया पूरा रिकॉर्ड है तो उसमें चोरा नजर आ रहा कहीं पहचान है आप कभी ये पूरा मिलाना पड़ेगा मुझे देखना पड़ेगा हिसाब तो मिलाना पड़ेगा हमारे हिसाब से 8-9 लाख का ऊपर गया है मोबाइल का आपका पहले का कर्मचारी हो ऐसा कोई नहीं कर्मचारी कोई नहीं क्या नाम आपका निवर्तमान आईजी मोहित अग्रवाल द्वारा चौराहों को गोद लिए जाने के कार्यक्रम के अंतर्गत पादरी बाजार पुलिस चौकी पर इंडिया गेट के मॉडल पर बनाए गए ट्रैफिक बूथ का आज अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस ट्रैफिक बूथ की खासियत है कि इस पर चारों कोनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान आईजी नीलाब्जा चौधरी, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, आरटीओ डीडी मिश्रा, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एएसपी राजेश कुमार, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, यूपी ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी सिंह सहित अन्य अधिकारी व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा तथा आईजी नीलाब्जा चौधरी ने कहा कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। जबकि गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री आरपी सिंह ने और पार्षद अफरोज ने इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया। इस काम को बहुत धन्यवाद मोहित अग्रवाल को देते हैं जो उन्होंने प्रशासनिक अमले में बैठते हुए भी चौराहे को शुद्धिकरण करते हुए जनता की जाम की समस्याओं को निदान करने के लिए ऐसा सराहनीय काम किया है। तत्कालीन आईजी श्री मोहित अग्रवाल जी के दिशा निर्देश उन्होंने गोद लिया था इस चौराहे पर। उनका आदेश हुआ कि इसका निर्माण हम लोग कराएं और बढ़िया सुसज्जित तरीके से इसका निर्माण और इंडिया गेट के तर्ज पर जो बना हुआ उसी तर्ज पर इसका निर्माण कराया गया जिसका उद्घाटन आज योगी जी साहब थी और मेरी भी सोच थी तो उन्होंने दिशा निर्देश किया मैंने उनसे पहल किया मैंने कहा था कि कोई ऐसा सरोकार सामाजिक सरोकार या पुलिस से संबंधित कोई काम हो तो हम बताएं तो उन्होंने इसके लिए हमें आदेश दिया और हमें काम दिया।
कितना समय लग गया इसको बनाने? तकरीबन 2-3 महीना लग गया इसके निर्माण कार्य में। लागत लगभग 4.5 लाख के आसपास। तो कितना सहयोग मिला इसमें आपको? सहयोग भी मिला कुछ? नहीं, कोई सहयोग नहीं, अपने व्यक्तिगत तो अपने संगठन की तरफ से इसका निर्माण किया गया, कोई और सहयोग किसी से लिया नहीं। ये जो ट्रैफिक बोर्ड बना है ये एक जैसे पुलिस के कार्य में जनसाधारण द्वारा जो सहायता दी जाती है, सहयोग किया जाता है, उसी का एक नमूना है। और मैं आशा करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रूट के बन जाने से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार है और अन्य कार्यों में भी हम लोग को सहूलियत प्राप्त। देखिए, ये जन सहयोग पुलिस के काम में जन सहयोग का एक बेहतरीन नमूना है। लोगों ने अपनी तरफ से इस ट्रैफिक बूथ का निर्माण करवाया है। खास बात यह भी है कि इस बूथ में चारों तरफ CCTV के कैमरा लगे हैं, जिसका कंट्रोल बगल में चौकी तक है। उसमें ये पूरा निर्माण इंक्लूडिंग CCTV यहीं के स्थानीय लोगों ने मिलकर बनाया है। जन सुविधा के साथ साथ में ट्रैफिक व्यवस्थापन में इसका बहुत योगदान रहेगा। मैं सभी को धन्यवाद। राजस्व कार्यों एवं कर करोत्तर की मासिक समीक्षा बैठक ADM सिटी रजनीश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए ADM सिटी रजनीश चंद ने कहा कि निर्वाचन का कार्य संपन्न हो गया है, विभागीय कार्यों का 100% लक्ष्य हासिल करें। कर करोत्तर की समीक्षा में उन्होंने कहा कि बिजली एवं बैंक बकाए की वसूली में तेजी लाएं, संग्रह व्यय हर्जाना स्टाम्प देय खनन की 100% वसूली कराएं। खनन में सभी तहसीलों से 100% वसूली हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार डे प्लान तैयार करके प्रतिदिन वसूली कराएं। नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार स्वयं क्षेत्र में जाएं, साथ ही नगर पालिका, मनोरंजन, श्रमदेय, वन एवं गन्ना विकास विभाग की RC भी वसूली कराएं। ADM वित्त विधान जायसवाल ने कहा कि वसूली की वास्तविक धनराशि की सूचना दें, 10 बड़े बकायेदार की सूची तैयार करें, फाइल में कार्रवाई दर्ज करें और प्रत्येक सप्ताह में होने वाले बैठक में सूचना लेकर आए। उन्होंने कहा कि कुल 518 ऑडिट आपत्तियों में मात्र 167 का ही निस्तारण हो पाया है। शेष के निस्तारण में तेजी लाएं। इसमें संग्रह भूलेख एवं नजरात अनुभाग की ऑडिट आपत्तियां हैं। CRO बलराम सिंह ने कहा कि पूर्व में तालाबों में जल स्रोतों में कुल 2776 अवैध अतिक्रमण चिन्हित करके सभी अवैध अतिक्रमण हटा दिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि तहसील में जालसाजी को रोकें। अविवाहित वरासत दर्ज करने के मामले में 14 अगस्त 2017 का राजस्व परिषद के आदेश का अनुपालन करें। ADM प्रशासन प्रभुनाथ ने कहा कि तहसीलों में रिटायर हो रहे कर्मचारियों का पेंशन प्रपत्र समय से तैयार कराकर भिजवाएं, जिसमें विलंब ना करें। रिटायर हो रहे कर्मचारी का समय से देय दिलवाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बैठक में सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदार उपस्थित रहे। फरवरी माह में चलिए तो बताइए महासभा 40 नवंबर प्राप्ति हुई है 108.8 वार्षिक के सापेक्ष जो अभी आपकी उपलब्धि है 86.24% है, तो ये आप अचीव कर लेंगे मार्च में? 12 करोड़ रुपए जो है जो ये कितना डिफरेंस है ये आपका? डिफरेंस तो है सर, ये आपका 74
68 करोड़ के समथिंग है, 66 है सर। जो हमारे फार्मों के जमा हो रहा है, स्थापन के लिए जो है ये नागरिक होने जा रहे हैं, 12 करोड़ तक सर चले रहे कर लेंगे आप। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले कुछ समय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश से अपने सभी ग्राहक सेवा केंद्रों को बंद कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस कार्य से ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करने वाले लोगों में काफी नाराजगी है। SBI के इस कृत के विरोध में ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े युवकों ने शुक्रवार से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित SBI भवन परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। शुक्रवार को धरने पर बैठे युवकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। युवकों का कहना है कि SBI द्वारा अचानक ग्राहक सेवा केंद्र बंद किए जाने के आदेश से खाताधारकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े लोगों को रोजगार की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर SBI शाखा के उप महाप्रबंधक मोहम्मद सैयद इम्तियाज हुसैनी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा महाराष्ट्र से ग्राहक सेवा केंद्र बंद किए जाने के आदेश आया था, जिसका उन्होंने पालन किया है। बैंक में माली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंक में माली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंक में माली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंक में माली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंक में माली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंक में माली नहीं चलेगी, को लेकर आज यहाँ धरना दे रहे हैं। जैसा कि भाई साहब, हम लोग व्यक्तिगत व्यावसायिक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक हैं। हम लोग जो पूरे जिले में, हम लोग 28 तारीख तक हम लोग कोर्ट बंद कर दिए गए 28 तारीख से ही। और जिस योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, ये वित्तीय समावेशन के तहत एक कार्य कर रहे हैं हम लोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये योजना है, इसमें बैंक ने प्राइवेट करने है तो हम लोग को पहले दबाव बनाया गया, दबाव बनाए कि आप लोग प्राइवेट हो जाइए, हम लोगों ने नहीं माना। उसके बाद इन्होंने कोर्ट हमारा बंद कर दिया और हम लोग ने उच्चतम न्यायालय में इसको अर्जी भी दिया, उन्हों वहाँ से हम लोग को स्टे मिला, उसके बावजूद भी इन्होंने कोर्ट बंद कर दिया। और आज की डेट में एक ग्राहक सेवा केंद्र के पास 10,000-8,000 खाते हैं और वहाँ से हम लोग क्या बहुत से गरीब तबके के लोग हैं,
जो खातों से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तमाम परेशानी हम लोगों के साथ आ रही है। ग्राहकों से हम लोग गाली सुन रहे हैं कि आप लोग कैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बैंक आप लोगों को एक भी नहीं सुन रही है। और उच्चतम न्यायालय का बात भी न मानते हुए आज के डेट में हम लोग ने एक फैसला लिया कि पूरे जिले से लोग यहाँ, जब तक नहीं हम लोगों का मांग पूरा होगा तब तक ये धरना हम लोग देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिली है कि अनिश्चितकालीन जो है धरना पे बैठे, ना इन्होंने प्रशासन से जो है कोई सूचना दी है जिला प्रशासन को। देखिए ऐसा है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्राहकों की सेवा करती है, और इसमें दो चैनल हैं। 80% जो लोग हैं वो ग्राहक सेवा केंद्र नेशनल बीसी, जो देशीय स्तर पे एक बड़ी संस्था होती है, उनके माध्यम से जो है ये चल रहा है। व्यक्तिगत तौर पे कुछ लोगों को पहले जो है वित्तीय ग्राहक सेवा केंद्र चलाने के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए अनुबंध किया गया था। ये केंद्रीय कार्यालय पूरे भारतवर्ष के लिए बढ़ते हुए धोखाधड़ी ग्राहक सेवा केंद्रों पे जो हो रही है और उनके आलोक में जो है उनके सुचारू रूप से चलाने हेतु ये केंद्रीय कार्यालय मुंबई ने निर्णय लिया है कि जिनका व्यक्तिगत जो है CSP चल रहा था ग्राहक सेवा केंद्र, उनका अनुबंध जब तक रहेगा वो चलाएंगे, अनुबंध के बाद उनका नया अनुबंध उनके साथ नहीं किया जाएगा। और उनको कहा जाएगा कि अगर आप जो है ग्राहक सेवा केंद्र चलाना चाहते हैं तो नेशनल बीसी के माध्यम से आप ये काम कर सकते हैं। और इस सिलसिले में जो है इन काफ़ी लोगों ने जो है नेशनल बीसी के माध्यम से भी जो है अपना काम करना शुरू किया है देशीय स्तर पे। ये कोई गोरखपुर की समस्या नहीं है, ये पूरा देश स्तर पे इसका जो है जो भी जो है निर्णय हो रहा है देशीय स्तर पे हो रहा है, लोकल स्तर पे इसका कोई भी इससे लेना देना नहीं। ग्राहकों को अभी हम लोग जो है अगर बगल के जो भी ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ जाके करा सकते हैं, जो शाखा से लिंक है वहाँ पे जाके करा सकते हैं, तो इनको समुचित किया जा रहा है। और साथ ही साथ उस स्तर पे जो है उस इलाके में नया जो है जो नेशनल बीसी के माध्यम से अगर ये नहीं करेंगे तो उनके जगह पे दूसरे लोगों को वहाँ पे जो है काम दिया जाएगा। स्तर पे मैं यही कहूँगा कि ये जो है देशीय स्तर की समस्या है, लोकल यहाँ पे कोई भी निर्णय नहीं होगा। इसका जो भी होगा हम लोग जो है यहाँ से जो है जो भी यहाँ बात होती है उसको ऊपर के शीर्षस्थ अधिकारियों तक पहुँचा देते हैं और उनका निर्णय ही होगा। यहाँ पे लोकल कोई निर्णय होने की संभावना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक शुक्रवार को बिछिया स्थित नेहरू इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षक MLC चेत नारायण सिंह ने की। बैठक में प्रमुख रूप से 14 व 15 अप्रैल वर्ष 2018 को महानगर के MP इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाले प्रांतीय सम्मेलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों की समस्याओं और वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संघ के प्रदेश संरक्षक हरिमिलन शाही, प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिका त्रिपाठी, प्रदेश संयोजक राम मोहन शाही, मंडली अध्यक्ष ज्योतिष कुमार पांडे, मंडल महामंत्री रणजीत सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। आप सबकी इच्छा अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उपस्थित होंगे। इस सम्मेलन में हम शिक्षा की जो परिस्थितियां हैं जिसमें गुणात्मक परिवर्तन के लिए देश और प्रदेश करवट लेने की स्थिति में है, इस प्रदेश के छात्रों को हम अच्छी शिक्षा देकर प्रदेश और देश के राष्ट्रीय विकास के साथ साथ विश्व पटल पर उनकी प्रतिभा को उद्घाटित करने का काम करें, यह मुख्य विषय होगा जिसमें आने वाले लोग भी
और हमारे शिक्षक भी अपनी बातों को रखने के साथ साथ इन्हें सुझाव देंगे। मुख्य रूप से इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जो 2008 से मांग कर रहा था कि देश का एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम हो, एक राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें हो, वह काम आपके सम्मेलन के प्रारंभ के साथ इस प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक देश का जो केंद्रीय संस्थान है NCERT शिक्षा का, उसके निर्देशन में जो पाठ्यक्रम है, उसके निर्देशन में जो पाठ्यक्रम पुस्तकें हैं, वो पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बच्चों को 17, 18, 19 से पढ़ने को मिलेंगी। अब उसे और कैसे अच्छा बनाया जा सके, बच्चों को कैसे उस पाठ्यक्रम को सुलभ कराया जा सके, इसमें आपका जो योगदान होगा सबके विचार सम्मेलन में आने चाहिए। सबसे बड़ा मूल आधार होता है शिक्षण के साथ साथ उसका मूल्यांकन, जिसे हम परीक्षा के रूप में कहते हैं। और आजकल से हर प्रकार के शिक्षा में निपुणता का मापन होता रहा है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की शिक्षा का मूल्यांकन का जो मापन है उसका एक अव्यवस्थित स्वरूप हो गया था। हम चाहते हुए भी ठीक ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाते थे, इस कारण से शिक्षण में जो दुर्व्यवस्था थी, मूल्यांकन को प्रशिक्षित परीक्षा और मूल्यांकन को सुधारने का प्रयास इस प्रदेश की सरकार ने किया है। आज तो हम उसका स्वागत करते हैं। सम्मेलन में अपने और अधिक सुधार क्या हो सके इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। उसके लिए क्या सेमिनार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब बात सम्मेलन में होगी। तीसरी बड़ी बात है कि उसमें जो सबसे बड़ा छात्रों के बाद सबसे ज्यादा मूल कारक है वो शिक्षक, उस शिक्षक की प्रतिपूर्ति, उसका उत्तम प्रशिक्षण, इस पर एक बृहद सत्र चलेगा। आज प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में किसी भी ट्रेड के लिए, सामान्य शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षक का अभाव है, क्योंकि जो प्रतिभा है वह विश्व के पटल पर, वह ऐसे संस्थानों में जा रही है जहां तात्कालिक तौर पर ज्यादा पैसा मिल रहा है, और उसके बाद का जो कैडर है वह जो शिक्षा में आ रहा है उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था बहुत खराब है। उसमें आप BEd की हालत, BTC की हालत को अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किसी प्रकार के आर्थिक लाभ दिए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर ₹2 लाख की सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में फर्जी आवेदन फॉर्म कतिपय लोगों द्वारा वितरित किया जा रहा था, जो कि अवैधानिक था। CDO अनुज सिंह ने कहा कि इस योजना में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा नगद भुगतान किए जाने का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश द्वारा भी अवैधानिक फर्जी मानकर इस अवैधानिक कार्य में लिप्त व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी करने और उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय संजीव सिंह श्रीनेत की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शुक्रवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन परिसर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष व सहजनवा के विधायक शीतल पांडे, पूर्व अध्यक्ष भानु सिंह, पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद श्रीवास्तव, छात्र नेता रतनपाल, प्रदीप सिंह, संजय यादव, पवन सिंह सहित छात्र नेता व छात्र मौजूद रहे। सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय संजीव सिंह श्रीनेत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वर्गीय संजीव सिंह श्रीनेत द्वारा छात्र हित में किए गए संघर्षों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आया आपका
इसी कड़ी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता हम लोग के बड़े भाई लगे रहते थे। आज हमारे बीच संजू सिंह सिरने नहीं है, लेकिन अपने पीछे व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़कर जाता है, उसके कर्मों को ही लोग याद करते हैं। आज कहीं कहीं उनके अच्छे कर्मों का, उनके अच्छे व्यक्तित्व का, कृतित्व का, कहीं कहीं उनके मित्रगण, कहीं कहीं गांव गरीब के लोग भी याद करते रहते हैं। क्षेत्र के नौजवान ने कहते रहते हैं कि जब बड़े भाई संजीव सिंह सिरने जिंदा थे तो विश्वविद्यालय में जाने के बाद भटकना नहीं पड़ता था, कोई भी काम आसानी से हो जाता था। आज उन मित्रों को इतना पीड़ा होता है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज जो गांव के गरीब हैं, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जिनका नाम लिखाने में परेशानी होता था, गांव के लोग नजदीक थे, संजू सिंह सिरने मिलने में भी किसी से कोताही नहीं करते थे। जब चाहिए जहां चाहिए उनसे मिल लीजिए, जब चाहिए अपनी बात रख लीजिए। आज जबरे जबरे में अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपने दूर तरफ तक छोड़ जाऊंगा। और संजीव सिंह सिरने में वह कला थी, जीवन जीने की कला थी, उसका दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, हम कितना कैसे जिए इसका नहीं मात्र, हम कितना कैसे जिए इसका नहीं मात्र, हम कैसे कितना जिए हैं तब तो हमारा। महानगर वासियों को मच्छर के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। महानगर को मच्छर से मुक्त कराने के लिए शुक्रवार को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में फॉगिंग कार्य से संबंधित एक बैठक नगर निगम परिसर में आयोजित की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त डॉक्टर के सिन्हा, नगर निगम के मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश कुमार, अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रमेश चंद सहित नगर निगम के कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान महापौर सीताराम जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द महानगर को मच्छर मुक्त कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के संदर्भ में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, उसका फोटोकॉपी शेड्यूल मिल जाए कहाँ पे, अभी मैं आपसे अभी नलियाँ रोज साफ हो रही है, फिर कल साफ हुई वही नलियाँ रोज जितने सूरजपुर में दिखाएगा पेपर। किन मुद्दों को लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई और क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, मच्छरों का प्रकोप घर में आते काफ़ी शहर में बढ़ गया है, जिससे नगर निगम के हमारे सारे कर्मचारी मच्छरों की समस्या से हम कैसे निपटेंगे, इसके लिए हम लोग विचार विमर्श के लिए बैठे हैं। और हमारे अपर साहब हैं, हमारे वस्तुओं जी हैं, और भी हमारे सभी पदाधिकारी हैं, यहाँ के पार्षद भी हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है, त्वरित निर्णय लिया गया है कि एक वार्ड में एक साइकिल मशीन प्रतिदिन जाएगी और 2 घंटा कंटिन्यूस फॉगिंग करेगी, और इसका जिम्मेवारी पार्षदों को दी गई है कि उनके पूरी व्यवस्था कहां कहां मच्छरों का भारी प्रकोप है उसको चलवाएं और ऐसा करें जिससे कि उस वार्ड से मच्छरों का पूरी तरह से सफाया हो जाए। हमारे पास और बड़ी मशीनें भी हैं जिससे हम बड़े चौड़े सड़कों पर फॉगिंग करवा सकते हैं। हमारे अपर साहब ने उसके लिए कहा है कि हम उसको घनी बस्ती में जहां मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है, मलिन बस्तियां जहां पर गंदगी ज़्यादा है, मच्छर हैं, वहां सफाई की भी व्यवस्था करेंगे और फॉगिंग की भी व्यवस्था करेंगे। और हम लोग का जो टारगेट है कि हम लोग लगभग 15 से 20 दिन में शहर को मच्छरों से मुक्त करने का पूरा प्रयास हमारा नगर निगम, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे पार्षद सब लोग मिल करके इस अभियान को चलाने के लिए तत्पर हैं और ये जनता के सामने आएगा।
महापौर जी, महानगर में बहुत सारे वार्ड हैं, चाहे निजामपुर होगा, सिकटरा हो, चाहे बहुत सारे हैं मोदीपुर और भी कई एरिया जहां लोग नाराज हैं सफाई व्यवस्था से। देखिए, नाराजगी कहीं भी नहीं है। हमारे कर्मचारी प्रतिदिन जितने निर्धारित हैं जा रहे हैं सफाई करने के लिए। मैं लोगों से अनुरोध, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि जब सफाई कर्मचारी हमारा उठा करके कूड़ा चला जाता है तो सड़कों पर फिर गंदगी न करें। तब तक उसको अपने डस्टबिन के अंदर, हर आदमी डस्टबिन रखे, और जब हमारी सफाई गाड़ी आती है तो उसमें उसको डस्टबिन को डालें, या जब जाती है गाड़ी उसके पहले जहां निर्धारित स्थान है वहां कूड़ा डालें तो गंदगी नहीं दिखाई पड़ेगी। हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। अगर सफाई चाहते हैं, शहर को रोग मुक्त करना चाहते हैं, तो इसमें सफाई का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा करते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, शहर पूरी तरह से साफ और सुथरा दिखाई पड़ेगा। नगर निगम पूरी ताकत के साथ जितने भी इसके साधन है उसका उपयोग कर रहा है, और सफाई के लिए हमारे सभी कर्मचारी तत्पर हैं और काम कर रहे हैं। नगर निगम की तरफ से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था बनाई जाती है, वो कार्य कहाँ तक प्रगति पे है? अब देखिए, सरकार के तरफ से जो सूचना आ रही है कि नगर निगम में जितने भी हमारे गोरखपुर के नगर निगम का क्षेत्र है उसमें कंपनियों के साथ टेंडर होने हैं, और उस टेंडर में व्यवस्था है कि कंपनी अपने संसाधनों से कूड़ा उठाएगी, डोर टू डोर कलेक्शन करेगी, और कूड़ा को हम पड़ाव पर नहीं बल्कि जहां उसको डिस्पोजल होगा, जहां उसका व्यावसायिक उपयोग होगा, जहां बिजली बनेगी उसको करेंगे। ये व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस शहर को जल्द से जल्द देने के लिए तत्पर हैं, और कुछ दिनों में ही आपके सामने परिणाम सामने आएगा। साहित्यिक रंगमंच एवं ललित कलाओं की संस्था संस्कार भारती द्वारा वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत हिंदू नववर्ष पर नवोत्पल के नाम से 18 और 19 मार्च को दो दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन तारामंडल स्थित एम्फी थिएटर मुक्त काशी मंच पर किया जाएगा। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्कार भारती के महानगर अध्यक्ष रीता श्रीवास्तव ने बताया। संस्कार भारती विलुप्त होती हुई कलाओं और भारतीय संरक्षण के, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। उसी कड़ी में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से 9 वर्ष होता है, उसका उत्सव मनाने की तैयारी हम सभी कर रहे हैं, जिसमें शंखनाद का कार्यक्रम हुआ जिससे उद्घाटन हुआ। शंखनाद के बाद 17 तारीख की शाम हम सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, और 18 तारीख की प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर के अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, और 18 की शाम को, संध्या को, कुछ ऐसी कलाएं जो कलाएं हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, हम सभी को एक नया जीवन देती है, हमारे जीवन को परिष्कृत करती है, उन कलाओं का प्रदर्शन होगा। और फिर इसकी शाम भी इसी तरह की एक कला को लेकर के हम सभी आपके समक्ष आएंगे, ताकि भारतीय संस्कृति हमारे पूरे देश में जो फैली हुई है, इसमें जो 19 का कार्यक्रम है उसमें राजस्थान के हमारे कलाकार राजपूताना आपके बीच होंगे, और 18 की प्रस्तुति हमारे स्थानीय कलाकारों की होगी। तो बहुत एक खूबसूरत शाम, बहुत अच्छी संध्या भारतीय संस्कृति के लिहाज से आप सभी के समक्ष मिलेगी, जो एक आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा है, उस संस्कृति से सभी आहत हैं, नैतिकता घट रही है, जो जीवन के मूल्य हैं वो कम हो रहे हैं। इन सभी को बचाने के लिए, जीवन मूल्यों की सुरक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्कार भारती प्रयासरत है, उसी प्रयास में ये हमारा अपना प्रयास है। शुक्रवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का एक मैच अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी और सुपर क्लब क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर क्लब क्रिकेट टीम ने 31वें ओवर में 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से ऋषभ पासवान ने 9 ओवरों में 17 रन देकर 4 विकेट लिए। 113 रनों का पीछा करने उतरी अक्की स्पोर्ट ने 24वें ओवर तक 9 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन
उछल्ले बल्लेबाजों की बदौलत 26वें ओवर में एक विकेट से ये रोमांचक मैच जीत लिया गया। अक्की स्पोर्ट्स की तरफ से पीयूष ने सर्वाधिक 45 रनों की पारी खेली। शुक्रवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे टीडीएम चैलेंजर्स ट्रॉफी का एक मैच डीसीए गोंडा की टीम और लक्ष्य एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी डीसीए गोंडा की टीम ने 20 ओवरों में 66 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य एकेडमी की तरफ से अभिषेक ने घातक बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवरों में 6 रन देकर 5 विकेट लिए। 67 रन का पीछा करने उतरी लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी की टीम ने शशिकांत शाही के 38 रनों की बदौलत 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखनाथ परिसर में 5 दिवसीय विराट किसान सम्मेलन का कमिश्नर अनिल कुमार ने किया शुभारंभ। शास्त्री नगर स्थित मोबाइल की दुकान से चोरों ने उड़ाए लाखों के मोबाइल और नकदी, घटना सीसीटीवी में कैद। ट्रैफिक पुलिस बूथ का एडीजी दावा शेरपा ने किया उद्घाटन। राजस्व कार्यों एवं करोत्तर की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। तहसीलों में जालसाजी रोकने तथा अन्य बिंदुओं पर की गई समीक्षा। ग्राहक सेवा केंद्र बंद होने से आक्रोशित लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत। उप महाप्रबंधक ने कहा उन्होंने सिर्फ आदेश का किया है पालन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई संपन्न। 14 और 15 अप्रैल को आयोजित होने वाले प्रांतीय सम्मेलन की बनाई गई रणनीति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर 2,00,000 नकदी की सहायता प्रदान किए जाने संबंधित फर्जी आवेदन फॉर्म बेचने वाले के विरुद्ध सीडीओ अनु सिंह ने दिया तत्काल गिरफ्तारी का आदेश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्वर्गीय संजीव सिंह सिरनेत की मनाई गई पुण्यतिथि। छात्र नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर के लोगों को मच्छर के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम ने कसी कमर। महापौर सीताराम जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से संस्कार भारती करेगा नव वर्ष का स्वागत। संस्था अध्यक्ष रीता ने दी जानकारी।
गोरखपुर क्रिकेट लीग में अक्की स्पोर्ट एकेडमी की सुपर क्लब क्रिकेट टीम पर एक विकेट से रोमांचक जीत और टीडीएम चैलेंजर्स ट्रॉफी में लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी ने डीसीए गोंडा की टीम को 7 विकेटों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो अगले बुलेटिन तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़। नमस्कार।